केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 50 साल से ऊपर के नागरिकों को मार्च से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि 7 दिनों से 188 जिले में कोरोना का एक भी मामला सामना नहीं आया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि लोगों को अभी भी कोरोना के हर नियम का पालन करना होगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वास्तविक टीके के साथ साथ सामाजिक टीके का भी ख्याल रखें। वैक्सीन और रिसर्च और साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट्स और जो हेल्थ सेक्टर ने जिस प्रकार से अपने पांव पे खड़े होके और सारे देश ने मिलकर जिस प्रकार से जो काम किया एक सूत्र के अंदर बंध कर, 2 वैक्सीन्स भी देश के लिए उपलब्ध हो गई। आज 80-85 लाख लोगों को, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन भी उपलब्ध हो गई है। 20-25 देशों को हम ऑलरेडी वैक्सीन जो है वो विदेशों को देने की स्थिति के अंदर आ गए हैं। और बहुत ही जल्दी आप जानते हैं कि जो एक बड़ी कैटेगरी है 50 साल से ऊपर के लोग, इनको भी मार्च के महीने में हम वैक्सीन देने की स्थिति में आ रहे हैं। और खाली ये 2 वैक्सीन नहीं, अभी जब मैं लिस्ट का विश्लेषण करता हूं तो ध्यान में आता है कि कम से कम 18-20 वैक्सीन्स के ऊपर अलग अलग स्टेजेस में काम हो रहा है। कोई प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कोई एडवांस्ड प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कोई फेज 1 है, कोई फेज 2 है, कोई फेज 3 है, सबके अंदर अलग अलग स्टेजेस में, और कुछ एक अगले कुछ महीनों में आ सकती हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गुजरात के 4 शहरों में एक बार फिर 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट शामिल हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू के समय में 1 घंटे की कमी की गई है, यानी कि यह अब रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ही रहेगा। वहीं इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कई दिनों से लगातार वो हजारों लोगों से अलग अलग मुलाकातें कर रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे, और गुजरात में जो लोकल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके प्रचार के लिए भी कई शहरों में वो पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। तो उसमें कल बड़ौदा में जो उनकी पब्लिक मीटिंग थी, वहाँ उनकी तबीयत नादुरुस्त होने के कारण, थकावट होने के कारण वो थोड़े बेहोश से हो गए थे। तो वहाँ से उनको अहमदाबाद UN मेहता 8 अस्पताल में रात को चेकअप के लिए लाया गया था। रात को उनके जो अलग अलग प्रकार के चेकअप किए गए, मेडिकल टेस्ट किए गए, वो संपूर्ण तरह सब नॉर्मल आ रहे हैं। लेकिन उनका रात को जो कोरोना टेस्ट लिया गया उसका जो रिपोर्ट आज सुबह आया है वो पॉजिटिव आया है। तो मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी कोरोना पॉजिटिव घोषित किए गए हैं, और वही UN मेहता अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। और कोरोना के पेशेंट को जिस प्रकार की ट्रीटमेंट होती है उस प्रकार की ट्रीटमेंट उनकी शुरू कर दी गई है, और वहाँ हो सकता है कि 1 हफ्ते के लिए उनको एडमिट रहना पड़े। बता दें कि विजय रूपाणी रविवार को वडोदरा के निजामपुरा इलाके में आगामी निकाय चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वह मंच पर बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद ले जाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि रूपाणी की तबीयत फिलहाल ठीक है।